बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज़ मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। लॉन्ग केसेस की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट सिनेरियो आ सकते हैं ऑफ द पेशेंट इन ऑब्स लाइक। तो अक्सर पेशेंट्स हमारे यहाँ बहुत प्रेजेंट करती हैं एनीमिया के साथ, तो एनीमिया के मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कैसे करनी है इसका भी लॉन्ग केस में पूछते हैं। और चूँकि पेशेंट्स ही यहाँ गेस्टेशनल के होते हैं या एनीमिया के होते हैं या प्री एक्लेम्प्शिया एक्लेम्प्शिया इस तरह के पेशेंट्स होते हैं। एनीमिया कब आप डिक्लेयर करते हो? अनीमिया तो डिक्लेयर होता है जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेस देन 11 ग्राम पर डेसिलीटर और या सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में लेस देन 10.5 हो। और पोस्टपार्टम पीरियड में तो पोस्टपार्टम की ही देखेंगे कि 10 ग्राम पर डेसिलीटर से कम हो पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल, तो वो अनीमिया कहलाता है। अब इसमें भी डिफरेंट ग्रेड्स बनाए हुए हैं। माइल्ड एनीमिया है जो 9 to 11 ग्राम पर डेसिलीटर से हो, मॉडरेट 7 to 9, स्वीयर 4 to 7, और जिसका 4 से भी कम हो उसे वेरी स्वीयर हम कहते हैं कि अनीमिया। और ऐसे केस को, ऐसे पेशेंट को तो हम लोग फौरन जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। अब मैनेज किस तरह करना है? सबसे पहले तो पेशेंट की डाइटरी काउंसलिंग के खजूर खाए, पालक खाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए, एप्रिकॉट खाए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दे रिच सोर्स ऑफ आयरन। डाइटरी काउंसलिंग के साथ अगर पेशेंट मान जाती है तो ऑरल फेरासल्फेट टैबलेट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, TDS 200 मिलीग्राम TDS में स्टार्ट कर देते हैं अप टिल 28 वीक्स। उसके बाद भी अगर अनीमिया है या कोई लेट सपोज पेशेंट प्रेजेंट करती है एट 30th वीक एंड 32 वीक, तो उस पेशेंट को आप ऑरल आयरन पे नहीं लगाओगे। फिर आप उस पेशेंट को, कोई भी पेशेंट जो 28 से 36 वीक के दरमियान आए प्रेजेंट करे, उसको आप आयरन सुक्रोज के IV इंजेक्शंस लगाओगे ऑन ऑल्टरनेट वीक्स, और इट विल कंटिन्यू अप टू 36 वीक्स। हर इंजेक्शन लगाने से आपका, या हर महीने बाद ऑरल टैबलेट देने से भी आपका जो हीमोग्लोबिन यूनिट है पेशेंट का, आपके पेशेंट का, वो 1 यूनिट तक इंक्रीज़ करना चाहिए। और रेटिक्स जो है उससे हम मेंटेन करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं कि आयरन का काउंट कितना अच्छा जा रहा है। ठीक, लेट्स सपोज एक पेशेंट आती है आफ्टर 36 वीक्स, या फिर एक पेशेंट किसी भी टाइम पीरियड के दरमियान आती है एंड शी इज़ सफरिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शी हैज़ डिकम्पेंसेटेड हार्ट डिजीज़, या बहुत बहुत अर्ली गेस्टेशनल पीरियड में आते हैं, या पेशेंट को भी जिससे आयरन डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टोमेटिक हुई पड़ी हुई, फिर आपने फौरन स्टार्ट उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना। फिर नहीं आपने रुकना कि ये था उसे ये नहीं था, जो भी चीज़ थी आपने उसे फौरन ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना। अब एक यूनिट जब ब्लड लगता है, एक पिंट ब्लड से कितना हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करता है? 1.5 तकरीबन इंक्रीज़ करता है यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। और एक पिंट ब्लड में ही कितना आयरन जो है वो इंक्रीज़ करता है? आयरन एक पिंट ब्लड में इंक्रीज़ करता है 0.8 यूनिट। तो अक्सर लोग कहते हैं ना तकरीबन एक यूनिट इंक्रीज़ करता है, हाँ इट्स लाइक राउंड अबाउट 1, बट इट्स नॉट 1। आयरन जो है 0.8 यूनिट है और हीमोग्लोबिन जो है 1.5 यूनिट इंक्रीज़ कर देती है। ये है टोटल मैनेजमेंट एनीमिया की। और एनीमिया का तो बहुत छोटा सा और शॉर्ट केस होता है, शॉर्ट वाइवा होता है। और ये कि एनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस पूछ सकते हैं, बच्चे में भी हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और मदर तो ऑब्वियसली सिम्टोमेटिक है ही है, तो अगर सिम्टोमेटिक है तो डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन पे लगाना है। दिस इज ऑल अबाउट एनीमिया। आई होप इट वाज हेल्पफुल। जज़ाकअल्लाह।